सिग्नल पे वेट करूं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मरहम के एक और लाइव सेशन के साथ मैं और युमना यहाँ पर मौजूद हैं। जैसे कि आप लोगों ने, कुछ लोगों ने हमारी एक पहली वीडियो भी देखी होगी जिसमें हमने एक वेट लॉस प्रोग्राम को शुरू किया था। युमना जो है वो डाइटिशियन है और ये बहरिया इंटरनेशनल हॉस्पिटल में लिवर ट्रांसप्लांट टीम के साथ काम करती हैं और इनको देख कर नहीं लगता ये कितना बड़ा काम करती हैं। कुछ छोटी सी हैं ये भी, लेकिन इन्होंने माशाल्लाह बहुत से पेशेंट्स को प्री ऑप और पोस्ट ऑप जो है वो सर्वाइवल के लिए तैयार किया है। सो युमना और हमारा बड़ा अच्छा इंटरेक्शन है ओवर द टाइम। युमना हमारी जो फेसबुक की कम्युनिटी है उसके ऊपर भी बहुत एक्टिव हैं और बहुत सारे लोग जो है वो युमना के फैन क्लब में शामिल हैं। तो युमना आप बताएं कि आप क्यों मरहम के ऊपर शुरू से इतनी एक्टिव रही हैं और व्हाई यू बिलीव के मरहम इज द राइट प्लेटफॉर्म फॉर यू। बेसिकली अस्सलाम वालेकुम, मेरा जो मरहम से इंटरेक्शन है इट्स बीन आई थिंक एक साल से ज्यादा हो गया है जो यहाँ पे मैंने मरहम कम्युनिटी ज्वाइन की है। जो मुझे बेसिक चीज इनकी पसंद है, जो मुझे अच्छा लगा कि पाकिस्तान में जो चीज मुझे लगती है लैक करती है, दैट इज अवेयरनेस। मतलब वी स्टडी और डॉक्टर्स बन के बैठ गए और अपनी अपनी स्पेशलिटी के हैं, पर पेशेंट को, जो मैंने चीज नोटिस किया है ड्यूरिंग माई प्रैक्टिस भी, पेशेंट को बेसिकली यही नहीं पता कि उसने किस डिजीज के लिए किस स्पेसिफिक डॉक्टर के पास जाना है। तो दिस इज व्हाट जो मरहम का जो मेन मोटो है कि पेशेंट्स को गाइड करना कि व्हाट इज राइट फॉर देम, क्या किस डॉक्टर के पास जाना चाहिए या क्या अपनी डिजीज के रिलेटेड क्या अप्रोच उनकी होनी चाहिए। तो इसलिए जो बेसिकली अवेयरनेस कैंपेन हमेशा से मेरा बहुत बड़ा, मुझे उस चीज के अच्छा लगती है वो चीज कि अवेयरनेस जब तक आप नहीं देंगे तो जितने मर्जी हेल्थ प्रोफेशनल्स बन के आप हॉस्पिटल में बैठ जाएं उनका फायदा नहीं है, क्योंकि पेशेंट को जब अवेयरनेस नहीं है, हमारा एजुकेशन लेवल थोड़ा सा मीडियम ही है तो अवेयरनेस नहीं होती, तो इसलिए पेशेंट को अप्रोच बिल्कुल। मरहम का जो शुरू से एक मोटो रहा है, अगर हम किसी को आपने अगर किसी को आसान जुबान में बताना हो कि हम क्या करते हैं, तो हम हेल्थ और वेलनेस के ऊपर काम करते हैं कि अगर आपको किसी भी किस्म की सेहत से रिलेटेड कोई भी मुश्किल या परेशानी का सामना है तो उससे रिलेटेड आपके मसला जो है वो हम हल करने में मदद देते हैं, चाहे वो अपने सही डॉक्टर का इंतखाब है, चाहे उससे कंसल्टेशन लेनी है, उससे अपॉइंटमेंट बुक करानी है, वी हेल्प यू आउट विद दैट। प्लस ये कि हम इसके ऊपर काम करते हैं कि कैसे हमने लोगों का जो हेल्थ IQ है वो इंक्रीज करना है, कि वो ये सीखना शुरू कर जाए कि हमने कैसे अपनी सेहत का ख्याल रखना है, कैसे IQ ही इंक्रीज करना मेरे ख्याल से ज्यादा मेन इशू है यहाँ पे। बिकॉज पेशेंट को अपने डिजीज के बारे में जितना अच्छा पता होगा उतना ही उसके लिए इजी है। नॉर्मली ये प्रैक्टिस नहीं की जाती है कि पेशेंट आया है, मेडिसिन प्रिस्क्राइब होगी बताया, और उसको डेप्थ में जब तक पेशेंट नहीं समझता अपने डिजीज को, तो मेरा ख्याल है वो सर्वाइवल थोड़ा इशू हो जाता है। और उसके बाद ये है कि वैसे अल्लाह का शुक्र है कि जो हमारे मुल्क में अगर कोई भी फैमिली में किसी की तबीयत खराब होती है या कोई परेशानी होती है तो सब लोग मिलकर उसका ख्याल रखने की कोशिश करते हैं, पर तो इसीलिए जो फैमिली मेंबर्स हैं उनको जरूर अवेयरनेस होनी चाहिए कि हमने कैसे किसी सिचुएशन को डील करना है। आज लेकिन हम जिस मसले को लेकर आप लोगों के पास आए हैं, दैट इज व्हाट जो के युमना के साथ हमारा इंटरेक्शन है, एंड दैट इज मरहम वेट लॉस प्रोग्राम और प्लस लोगों को न्यूट्रिशन या डाइट के बारे में अवेयरनेस देना। कल हमने आप लोगों से एक फॉर्म शेयर किया था एहसान ने, और उसमें हमारे पास ये था कि आप अपने क्वेश्चंस शेयर कर सकते हैं। उन क्वेश्चंस को जो है वो हमने कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर लिए, लाइक क्योंकि अक्सर लोगों के जो है वो सिमिलर किस्म के क्वेश्चंस थे, तो वो हमारे पास मौजूद हैं, हम उनके आंसर्स अभी देना शुरू करेंगे। लेकिन उससे पहले ना मैं युमना से एक चीज पूछना चाहूंगी कि युमना, ये वेट लॉस और वेट गेन की साइंस क्या है? मतलब कि हम जितनी भी कोशिश कर लें कि हमने वजन कम करना है या वजन बढ़ाना है, वजन बढ़ जाना या वजन कम हो जाना तो एक आप कहने के एक रिजल्ट है। लेट्स टॉक अबाउट द कॉज के भी ये दोनों चीजें किस तरह होती हैं और क्यों होती हैं। अच्छा, जब हमने क्वेश्चन रिसीव किए, जब कल मरहम के प्लेटफॉर्म पे पोस्ट किया गया फॉर्म, तो उसपे बहुत ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन आए हमें, तो हमने उनको कैटेगराइज कर लिया। फिर उसमें वेट गेन और वेट लॉस का जो एक मेजर था ना, एक तो टारगेटेड कुछ क्वेश्चन थे, उसके अलावा जो मेजर चीज थी कि वेट गेन किस तरह से हो सकता है, वेट लॉस उसके लिए क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, तो मैंने क्वेश्चन जब मैं रीड करी थी तो मैंने ये देखा कि बेसिकली थोड़ी सी अवेयरनेस की यहाँ कमी है कि जो वेट गेन करना चाह रहे हैं, दिस ए एक स्पेसिफिक लाइन है जो हर जगह हर क्वेश्चन के नीचे लिखी हुई थी कि वी ईट अ लॉट, वो तो बताना। तो गाइस अच्छा जी, तो युमना कंटिन्यू करें प्लीज। ओके, मैं कह रही थी कि वेट गेन की बेशक बात है, वेट लॉस की बात है, कुछ चीजें दोनों में सिमिलर है।
कि आपने इस तरह से करना है कि मेन जो इशू आता है वो ये है कि लाइफ स्टाइल जो हमारे पैटर्न्स हैं, बेसिक मसला वही अब नहीं आता है, बेशक वेट लॉस की बात करना है, बेशक आप वेट गेन की बात करना है, जो मेन मसला इसमें है वो है लाइफ स्टाइल चेंजेस जो है वो करने पड़ते हैं और लोग वो करना नहीं चाहते कि एक देयर इज नो जादू की छड़ी कि आप एब्रा कडाब्रा कहें और मुझे लाइफ स्टाइल चेंजेस आर अ मस्ट. फॉर एग्जाम्पल जो मेन इशू मैंने देखा है, एक तो वाटर इनटेक से मुझे बहुत होता है कि इशू के लोगों का वाटर इनटेक बहुत खराब है. जैसे वर्किंग वुमेन, आप यहाँ होती हैं, मैं हॉस्पिटल होती हूँ, याद ही नहीं रहता है पानी पानी कब पी है. पानी का बहुत ज्यादा रोल है और पानी पीने का, पानी का जो है थोड़ा चेक रखने का जो ईजी वे है वो यही है कि आप डे के पोर्शंस कर लें. आपने फर्स्ट हाफ में कितना पीना, सेकंड हाफ में, देन थर्ड हाफ, 6 to 12, देन 12 to 6, एंड देन अगेन 6 to 12. अगर आप पोर्शंस नहीं करेंगे तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, हम रात को घर जाते हैं या हॉस्पिटल से घर वापस गए, तब जाके ना बॉटल पकड़ी और तकरीबन 1.5 liter या 1/2 liter ऑलमोस्ट उस वक्त पूरा कर लिया. दिन का जो हमारा फर्स्ट हाफ पोर्शन है जहाँ पे पानी की जरूरत दिन के फर्स्ट हाफ को भी है, वहाँ हम नहीं लेते, हमारा ज्यादा कंसंट्रेशन रात के टाइम पे होती है जो ये चीज इशू करती है. तो पानी को थोड़ा बैलेंस करें. उसके अलावा टाइमिंग्स, आप बेशक देखें हेल्थ कम्स फर्स्ट, अगर हेल्थ है तो ये जॉब और एक्सरसाइज एक्टिविटीज है, स्टडी वगैरह जो स्टूडेंट्स के, जो मेरी जो है कम्युनिटी में एमबीबीएस स्टूडेंट्स वगैरह, वो कहेंगे कि टाइम नहीं है स्टडी को, ओके ओके. तो स्टडी की वजह से अगर आप कहें तो स्टडी के जब आप करते हैं तो नॉर्मली यही होता है कि खाने का ट्रैक नहीं रखा जाता कि कितना खाना खाया है या नहीं खाया, या पानी तो खैर उसमें बिल्कुल ही इजीली मिस हो जाता है. फूड मील, अपने मील्स में भी और फूड इनटेक में भी आपने यही करना होता है कि अपनी टाइमिंग्स फिक्स रखें. बेशक एग्जाम है, किसी की शादी है, क्या है, किसी भी तरह का आपकी लाइफ में चेंज आ रहा है, शादी तो खैर एक आध दिन की बात होती है, एग्जाम जरा प्रोलॉन्ग चलते हैं फॉर अ मंथ और सो, तो उस टाइम पे आपको ये करना चाहिए कि तभी मील्स फिक्स रखें, अपने टाइमिंग्स जो है वो फिक्स होने चाहिए जितने आपके पिछले दिनों में चल रहे थे. और जो कोशिश करें कि जो आपके टाइमिंग्स हैं वो आपका जो जैसी मर्जी आपकी रूटीन है, आप कॉलेज गोइंग है या उसमें 10 मिनट्स निकालना, 15 मिनट्स निकालना इज नॉट डिफिकल्ट. मैं भी ये प्रैक्टिस करती हूँ और ये करनी चाहिए. मतलब अगर इन हॉस्पिटल कंडीशन में, हॉस्पिटल का एनवायरनमेंट थोड़ा डिफरेंट होता है, आपको निकलना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तो अगर उस रूटीन में मैनेज हो सकता है, आई थिंक हर तरह की रूटीन में फूड इनटेक फिक्स टाइमिंग में मैनेज हो सकता है, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट. आप भी तो जिस तरह काम करती है तो अगर हो जाता है. इवन एक्सरसाइज भी मैनेज हो जाती है. सब लोग कहते हैं, इवन डॉक्टर्स जो मेरी जो सोशल सर्कल में है, दे से कि फिजिकल एक्टिविटी का एक बहुत इशू होता है कि फिजिकल एक्टिविटी मैनेज नहीं होती, बट ट्रस्ट यू मी हो जाती है, कोई मसला नहीं फिजिकल एक्टिविटी मैनेज करने का. आप उसको टाइम दें, अगर दिन में एक दफा बैठ के एक घंटा आधा घंटा नहीं कर सकते, उसको डिवाइड कर लें पूरे दिन में. तो आई थिंक हमारे वैसे क्वेश्चन है भी आगे, इसको मैं प्रॉपर्ली एड्रेस करेंगे कि अगर आप में स्टेमिना नहीं है, अगर आपसे एक्सरसाइज नहीं की जाती, या मतलब आप मेरी तरह हैं, ठीक है, तो क्या करना चाहिए. तो इसमें बिल्कुल सही है, बिल्कुल जबरदस्त है. हम एक दफा फिर जो लोगों ने हमें अभी ज्वाइन किया, हम आपको बता देंगे हम उधर क्या कर रहे हैं. हम कर ये रहे हैं कि यमुना ने और मरहम ने मिलकर एक वेट लॉस प्रोग्राम जो है हमने स्टार्ट किया है 2 weeks ago, और उसका हमारा मकसद यह है कि हम लोगों को जो है वो अवेयरनेस दें कि कैसे वो एक हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ अपनी सेहत को और अपने वेट को मेंटेन कर सकते हैं. और हम वही बताने के लिए आज यहाँ पर मौजूद हैं कि कैसे आप ने जो है अगर अपना वेट गेन करना है तो क्या उसकी साइंस है, अगर वेट लॉस करना है तो उसका क्या तरीका है, और अगर आप लोग इस जर्नी को, इस ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी को हमारे साथ शुरू करते हैं या कहीं से भी शुरू करते हैं तो कौन से चैलेंजेस हैं जो आपको फेस करने पड़ते हैं, तो उनको हम आपको हेल्प आउट कर सकते हैं. ठीक है, कमिंग टू. तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है ना, वो मैं बताती हूँ यहाँ पर कि वो लोग जैसे कि बड़ा ही सीरियस प्रॉब्लम है, बहुत ही ये बल्कि सीरियस प्रॉब्लम है कि अगर आपको शुगर की क्रेविंग होती है, आपके डाइट प्लान है और डाइट प्लान में इतना जालिमाना डाइट प्लान देती हैं ये जालिमाना डाइट प्लान होता है, उसके अंदर जी वो कड़वी वाली ग्रीन टी होती है और मीठे का तो कोई नामो निशान ही नहीं होता, तो उस जालिमाना डाइट प्लान में अगर आपको शुगर की क्रेविंग हो रही हो तो या तो आप खा लें फिर, ठीक है, जैसे कि मैं खा लेती हूँ, या आप लोग जो है वो शुगर की क्रेविंग के लिए क्या कर सकते हैं, यमुना खुद ही बता दें. ओके, मैं अपने डाइट प्लान में हमेशा शुगर का मार्जिन रखती हूँ, इवन मैं तो चॉकलेट भी ऐड कर देती हूँ. होता ही जालिमाना है, वो आप फॉलो नहीं कर सकते वैसे, क्योंकि अगर आप बिल्कुल ग्रीन टीज पे और बिल्कुल सैलड्स पे आ जाएंगे तो ये बिल्कुल बकरी वाला हिसाब हो जाएगा ऑनेस्टली. और प्लीज मैं आपको एक छोटे सा साथ में बात बताती जाती हूँ, सॉरी, कि जरूरी नहीं है कि आप डाइट प्लान में फीकी सब्जियां खाएं, उबली हुई चीजें, यस, मिसकंसेप्शन है. पिंटरेस्ट पे बहुत अच्छी प्यारी प्यारी रेसिपीज है, और मैंने एक दिन यमुना से पूछा कि यमुना चिकन सैलेड कैसे बनाना है, तो यमुना ने पहली चीज बोली टिक्का मसाला लेना है आपने,
ठीक है और आपने इसको बनाने तो हाँ क्योंकि क्योंकि फ्लेवर फ्लेवर मैटर करता है बहुत ज्यादा कि अगर बिल्कुल ही आप वेजिटेबल्स पे आ जाएंगे उबली हुई चीजें सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन रस्मा वैसे यही है कि जब ये इवन ये जो वेट लॉस के ये हमारे जो अवेयरनेस कैंपेन थी इसके लिए जब हमने पेशेंट से बात की तो उसमें जब मैं क्वेश्चनिंग वगैरह कर रही थी तब बहुत से लोगों ने पूछा कि अच्छा चिकन है तो लाइक अच्छा उबालना है इसको तब मैंने ये चीज देखी कि लोगों को लगता है व्हेन कम्स टू डाइटिंग तो हर चीज उबली हुई लेनी है नो स्पाइसेस एट ऑल ये चीज इश्यू नहीं करती है तो ये जो जो लोग इस तरह की चीजें खाते हैं डू योरसेल्फ अ फेवर ऐसे मत खाएं ये जाती है इतना प्यारा अपना खाना बनाएं कि आसपास के लोगों को देख के टेंशन हो रही हो मतलब मैंने जो यमुना से एक दफा डिस्कस किया था मैंने कहा यमुना जो हम अगर सैलेड खाना है ना आपने तो वो खाना बहुत आसान है मतलब ऐसे करके खा लिया और वैसे अगर आपने रोटी सालन खाना है तो पहले रोटी तोड़ो फिर सालन लगाओ फिर उसको मैनेज करो फिर सही तरीके से लेके जाओ तो इट्स वेरी डिफिकल्ट तो ये अगर आप अच्छा खाना बनाकर खाएं आप अगर हेल्दी खाना शुरू कर दें तो फिर बंदा वापस नहीं जा सकता वाकई बहुत बहुत अच्छा रहता है हेल्दी क्योंकि जब खुद आपको हेल्दी फील होता है तो फिर वो रूटीन ना पार्ट ऑफ लाइफ बन जाती है जो लोग नॉर्मली डाइट प्लान के बाद कहते हैं ना हमने वेट पुट ऑन कर लिया उनका इशू यही होता है मेनली कि उन्होंने डाइटिंग ही ऐसी की होती है उबली हुई सब्जियां आप ना ये कंप्लायंस नहीं होती पेशेंट की आप बहुत भी आपको मजबूरी भी होगी आप एक महीना कर लेंगे दो महीने उसके बाद मतलब हर कुछ छोड़ देता है तो खैर कमिंग टू वर्ड बैक टू वर्ड द क्वेश्चन शुगर क्रेविंग अच्छा शुगर क्रेविंग के लिए बेसिकली ये होता है शुगर इतना इशू नहीं है क्रेविंग मीठे की होना वो इतना इशू नहीं है आपकी जो चॉइसेस हैं उसके बाद वो इशू क्रिएट करती हैं कि आप किस तरह की चॉइसेस की तरफ जा रहे हैं अब ऑप्शंस हैं आपके पास फॉर एग्जांपल इफ यू लाइक हैविंग चॉकलेट कुकीज और मफिन्स इस तरह की चीजें तो यू कैन बेक एट होम स्पेशली जो बेकर्स हैं अगर आप में से कोई बेकर है ऑडियंस में तो आप लोगों के लिए स्पेशली बहुत अच्छी चीज है एक तो बेकिंग आसान है जिनको नहीं आती आप सीख सकते हैं ये बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है दूसरा जिनको आती है आप अपनी चॉइस ऑफ फ्लावर थोड़ी चेंज कर लें आप ओट्स से बना सकते हैं उसको आप वीट यूज कर सकते हैं और उसके चॉकलेट कुकीज बहुत अच्छे बनते हैं अंदर डार्क चॉकलेट यूज करें और उसको मतलब आप कंज्यूम कर सकते हैं एक और इसमें जो इशू आता है हेल्दी एक हेल्दी ऑप्शन है आप मफिन्स भी ऐसे बना सकते हैं इवन आप केक भी ऐसे बना सकते हैं पर जहां मैंने आपको बात की है कि आप ये ले सकते हैं और ये दिन के एक स्पेसिफिक पोर्शन में ले सकते हैं ये खैर ये अगली बात है आपकी जो डाइटेशन आपके अगर हैं या आप किसी तरह से डाइट प्लान फॉलो करते हैं तो आपके डाइट प्लान में एक स्पेसिफिक टाइमिंग भी इसकी रखें उसी में एडजस्ट करें ऐसे नहीं कि जब दिल किया रात को खाए खा लें 12 बजे खाया जा रहा है 1-2 बजे खाया जा रहा है उसकी भी टाइमिंग अपनी फिक्स करें कोशिश करें फर्स्ट हाफ ऑफ डे में ही खाएं दूसरा ये कि सर्विंग साइज बना लिया आपने एक हेल्दी ऑर्गेनिक मफिन बना लिया फॉर एग्जांपल ठीक है पर उसमें मसला आप इशू तब करेंगे स्टिल जब आप उसकी सर्विंग साइज कंट्रोल नहीं करेंगे सबसे पहले व्हेन इट कम्स टू डाइटिंग थोड़ा सा खुद को समझाएं कि थोड़ा पेट को हौसला देना है स्टमक को थोड़ा हौसला देना है इस तरह नहीं कि आया मफिन सामने पूरे का पूरा कंज्यूम कर लिया थोड़ा थोड़ा लेके खाएं आपने दो बाइट्स में जो एक क्रेविंग होती है ना मीठे की वो ऑनेस्टली वो एक दो बाइट्स में उसके बाद खत्म हो जाती है उसके बाद ना सिर्फ ना वो चस्का होता है जुबान का जो हम उसको खा रहे होते हैं उसके बाद उसकी जरूरत नहीं होती थोड़ा सा सर्विंग साइज अगर आप कम करें तो आप अगर अपनी डाइटिशियन से कहें वो आपको बहुत ईजिली एड करवा देंगे अंदर मीठा प्रोवाइडेड कि आप ना सर्विंग साइज कंट्रोल रखें बिल्कुल सही है ओके सो थैंक यू यमुना लेट्स कम टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन और आप लोग जो हमारे साथ अच्छा एक उसमें क्वेश्चन हमसे नौशीन ने पूछा हुआ है कि जो हमारा उनका जो वेट लॉस ने प्रोग्राम ज्वाइन तो किया हुआ है मगर उनका वेट स्टक हो गया है अक्सर लोगों को मैंने ये देखा है कि वो अगर कुछ अरसा तक वेट लॉस की एक्टिविटीज़ में अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं तो इट हेल्प्स लेकिन समटाइम्स एक पॉइंट आता है जहाँ पर आके वो स्टक हो जाते हैं या उनका वेट लॉस जो है वो उस तरीके से नहीं हो पा रहा होता या वो रिजल्ट उन्हें इनिशियली वैसे नजर नहीं आता तो उसके बारे में क्या ख्याल है एक तो ये इन्होंने क्या लिखा एग्जैक्टली क्या लिखा कि इन्होंने वेट लॉस देर होगी कितनी देर होगी इनको करते हुए इन्होंने तो अभी हमें ही ज्वाइन किया ठीक है ऐसे होता है जब इस तरह का कोई इशू हो अगर आपका वेट किसी जगह पे स्टक है तो आपको पहली बात ये कि किसी भी एक डाइट प्लान पे आप फॉर अ मंथ नहीं रहना चाहिए जब आपको वैरायटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स मिलती है तो वेट स्टक होने वाला इशू नहीं होता और अगर वेट स्टक हो रहा है उसके पीछे जो मेन रीजंस हैं ना वो ये हो सकते हैं कि एक तो या तो आपके टाइमिंग्स नहीं खाने के फिक्स मील्स जो है उनकी टाइमिंग्स फिक्स होना जरूरी है आपका वाटर इनटेक अच्छा होना जरूरी है दूसरा इंक्रीज योर फिजिकल एक्टिविटी इवन फिजिकल एक्टिविटी का टाइम भी फिक्स होना इज वेरी इंपॉर्टेंट इंक्रीज योर फिजिकल एक्टिविटी बल्कि आई थिंक इसमें हम फिजिकल एक्टिविटी वाले क्वेश्चन को पहले एड्रेस कर लेते हैं ठीक है बिल्कुल सही है अब इसमें जो फिजिकल एक्टिविटी वाला क्वेश्चन है हमारे पास एक तो ये है कि व्हाट्स द राइट वे टू डू द एक्सरसाइज फिजिकल एक्टिविटी कैसे अपना रोल प्ले करती है वेट लॉस के अंदर और अगर आपका स्टेमिना नहीं है या रूटीन सेटअप नहीं हो रही तो
What are your tips for that? Okay, physical activity की जब बात आती है तो आपको ऐसे करना चाहिए कि एक तो पहली बात जब आप जिम ज्वाइन करते हैं normally एक प्रैक्टिस ये है कि आप जाते हैं और सारी तरह की एक्सरसाइज करने की कोशिश करते हैं ऐसे बिल्कुल ना करें स्टार्ट मैं करती हूँ ब्रिस्क वॉक से वॉक करने का एक तरीका है फिजिकल एक्टिविटी जो है वो बहुत हेल्प करती है इन रेगुलेटिंग योर हॉर्मोन्स हार्मोनल रेगुलेशन में बहुत हेल्प करती है और आपका वेट भी रिड्यूस करती है पर मसला ये है अगर आप कहें कि आप फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं मैं किसी पेशेंट से पूछूंगा आप फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं और कहते हैं यस कर रहे हैं पर अगर आप दोबारा क्वेश्चनिंग करते हैं तो बाद में ये बात ये कॉमन प्रैक्टिस है कि पता चलती है उनकी फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं पर ठीक तरीके से नहीं कर रहे ठीक तरीका क्या है खवातीन में बहुत इशू है कि आप जाते हैं वॉक के लिए बाहर आपका वहां पे तीन दिन बाद जाके वहां आपका एक ग्रुप सा बन जाता है उसके बाद जब आप वॉक करते हैं तो वो उस रूटीन या उस स्ट्रेंथ की नहीं होती जो नॉर्मली होनी चाहिए जब व्हेन इट कम्स टू फिजिकल एक्टिविटी मोबाइल आपका साइड पे हो स्विच ऑफ हो नो ईयरफोन्स कोई गाना वगैरह ऐसी कोई चीज नहीं उस वक्त आपका 100% फोकस उसी चीज पे होना चाहिए कोई पेट ना साथ हो कि डॉग को भी साथ वॉक कराई जा रही है खुद भी कर रहे हैं क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर 1 किलोमीटर का आपका पास है उसमें आपका स्टॉप नहीं आना चाहिए किसी से रुक के बात कर ली कोई कॉल अटेंड कर ली आपका पेट कहीं चला गया इस तरह की चीजें जो है दरमियान में ना इशू क्रिएट करती हैं तो फिजिकल एक्टिविटी को कंटिन्यूस टाइम चाहिए होता है पूरा एक अपना प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए तो फिजिकल एक्टिविटी इंक्रीज करें दोबारा देखें आपकी टाइमिंग्स ठीक है मील्स की टाइमिंग्स फिक्स करें फिजिकल एक्टिविटी इंक्रीज करें वाटर इनटेक ठीक करें और आपके दोबारा रेगुलेशन स्टार्ट हो जाएगी बिल्कुल ठीक है अच्छा उसके बाद हम अगला क्वेश्चन एड्रेस करते हैं द नेक्स्ट क्वेश्चन इज के जिन लोगों को ईटिंग आउट की आदत होती है मतलब जैसे अगर जो लोग बाहर काम करते हैं जैसे कि हमारे भी अगर फॉर एग्जांपल हमारे ऑफिस की एग्जांपल है तो बहुत सारे लोग हैं जो बाहर से खाना मंगाते हैं या आते जाते हम लोग रास्ते से पकड़ लेते हैं सुबह देर हो रही होती है तो चलो फिर ऑफिस आके नाश्ता मंगा लिया या इस तरह की तो जो जिन लोगों को बाहर से खाने की आदत होती है उनके लिए क्या हेल्दी डाइट ऑप्शन है जब आपके पास बाहर से खाने की ऑप्शन हो या कैसे आपकी रूटीन ऐसे है कि आपको बाहर से खाना है उसके लिए पहली बात तो ये कि कोशिश करें ब्रेकफास्ट आपका बाहर का ना हो बिकॉज ब्रेकफास्ट हमारा लाहौरी जो नाश्ता होता है हमारा हलवा पूरी इस तरह की चीज़ें होती हैं और नान होता है उसमें इस मतलब आप इनसे थोड़ा हट नहीं सकते पर आते होंगे ये हमारे पास लोकल ऑप्शन है जो अवेलेबल है तो ब्रेकफास्ट आप जितना मर्जी अच्छा करने की कोशिश करें उसको अच्छा रखना ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक साइड पर रखना इट्स अ लिटिल बिट डिफिकल्ट तो कोशिश करें ब्रेकफास्ट आपका घर का हेल्दी ही हो और वैसे भी अगर आपका ब्रेकफास्ट घर का होगा हेल्दी होगा तो उसे आपके वैसे न्यूट्रिशन स्टेटस पे बहुत यू नो अच्छा पॉजिटिव इफेक्ट आएगा और अगर नहीं होगा तो बहुत नेगेटिव इफेक्ट भी आएगा ओके अगर आपके बाकी बात बची लंच एंड देन डिनर की उसमें आप कोशिश ये करें कि बाहर अगर आप इवन इफ यू गो फॉर डिनर और लंच विद फ्रेंड्स तो तब भी आपके पास बेटर ऑप्शंस होती हैं सैलड्स लाहौर में एटलीस्ट अगर लाहौर का मुझे ज्यादा अच्छा आइडिया है कि लाहौर में भी एटलीस्ट हर रेस्टोरेंट में सैलड की ऑप्शन होती है स्टार्टर्स में आप वो ले सकते हैं अगर आप और उसमें उसके बाद जो है अगर आपने मील में जाना है तो उसमें आपके पास स्टेक्स एक अच्छी ऑप्शन है स्टेक्स में भी आप चूज करें आप क्रीमी ना लें अगर क्रीमी है भी तो थोड़ा सा आप साइड पे कर दें थोड़ा सा आप ले सकते हैं इतना भी स्ट्रिक्ट नहीं होता कि बिल्कुल ही आपने उसको खत्म कर देना है तो ऑप्शन इस तरह के रखें यू कैन हैव बारबेक्यू बारबेक्यू साइड पे जा सकते हैं पर बारबेक्यू साइड में जाने के बाद भी फिर आप यू नो नान वगैरह इस तरह की चीज पे ना जाएं होल ग्रेन रोटी ये भी वैसे आजकल बाहर से मिल जाती है एटलीस्ट बहरिया से मिल जाती है हमारे यहाँ अवेलेबल है तो आप अगर बाहर से भी ले रहे हैं कोई आपके पास देसी चीज है तो उसके साथ अगर आप रोटी साइड ले रहे हैं तो आपकी चपाती भी आपकी होल ग्रेन हो तो दैट्स गुड बात क्योंकि आपने कोशिश करना है जैसा घर में खाना है उसी के नज़दीक नज़दीक चीज आप इस्तेमाल करें आप बाहर जा रहे हैं सुशी इज अ गुड ऑप्शन सुशी कुछ नहीं कहती है इट्स वेरी हेल्दी और इवन डिनर टाइम इट्स वेरी हेल्दी ठीक है फिश की ऑप्शन आप ले सकते हैं प्रोवाइडेड कि वो फ्राइड ना हो वो बेक्ड हो बेकिंग के ऑप्शन पे चले जाएं बट नॉट द बेक्ड पोटैटोस वो नहीं उसके अलावा बेकिंग की ऑप्शन भी अच्छी है सही जबरदस्त और एक चीज मैं आप लोगों को और बताती चलूं साथ साथ कि अगर वही बात है कि अगर आप अपनी बाहर के जो खाने पीने की आदत को इस तरीके से अगर मैनेज करना शुरू कर दें लेकिन वही बात है कि अगर एक दफा यू स्टार्ट रिस्पेक्टिंग योर सेल्फ तो चीज़ें आपके लिए ऑप्शंस तो हर किसी के लिए अवेलेबल होती हैं मैं एक दफ़ा आपको ड्यूरिंग द सेशन फिर इंट्रोडक्शन कराती चलूँ कि यमुना कौन है और हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर जो यमुना है यमुना माशाल्लाह से डाइटिशियन है और ये बहरिया इंटरनेशनल हॉस्पिटल में लिवर ट्रांसप्लांट टीम के साथ जो है काम करती हैं और ये पेशेंट्स को प्री ऑप और पोस्ट ऑप सर्जरीज के लिए प्रिपेयर करती हैं इसके अलावा ये marhampk के साथ एक वेट लॉस प्रोग्राम के ऊपर भी काम कर रही हैं जिसमें हम वाइडर ऑडियंस को जो है वो ये अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि आप कैसे हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाकर अपना वजन कम कर सकते हैं
तो लेकिन मजे की बात है कि प्रोग्राम अभी सिर्फ वेट लॉस करने वाले लोगों के लिए है, लेकिन हमें बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो उन लोगों की तरफ से भी आते हैं जो अपना वेट गेन करना चाहते हैं, तो उस भी हम इंशाल्लाह वर्किंग करेंगे उसके लिए भी, बल्कि हम इंशाल्लाह काम करेंगे और हम एक मतलब मे बी हम एक स्पेसिफिकली लाइव सेशन भी वेट गेन के लिए करें, लेकिन अभी अगर कुछ आप थोड़ा सा मशवरा दे सकें वेट गेन वाले लोगों को तो वो क्या होगा वेट गेन वाले लोगों के लिए? जैसे मैंने स्टार्ट में आपको बताया कि वेट गेन हो बेशक या बेशक वेट लॉस है, उसमें जो चीजें हैं वाटर इनटेक, फिक्स टाइमिंग्स ऑफ योर मील्स और पैटर्न आपका ठीक होना चाहिए, 8 बजे से लेट आप खाना ना खाएं, ये चीजें तो दोनों में स्पेसिफिक है। वेट गेन में क्या इशू आता है वेट गेन के पेशेंट से, आप अगर आपको कोई वेट गेन का इशू है तो जो मैं आप बातें कह रही हूँ एक दफा ये वाले क्वेश्चंस खुद से भी करें कि आप ये चीजें फॉलो कर रहे हैं। ब्रेकफास्ट पे आते हैं, ब्रेकफास्ट में नॉर्मली या तो एक तो पहली बात ब्रेकफास्ट स्किपिंग या मील स्किपिंग, ये कभी भी ना इससे ना कभी मील स्किपिंग से वेट लॉस होता है ना ही वेट गेन होता है, जहां आपने मील स्किप कर दी वहां इशू है। अगर आप वेट गेन करना चाह रहे हैं वो भी नहीं होगा, वेट लॉस करना चाह रहे हैं तब भी नहीं होगा। और वेट लॉस वाले पेशेंट्स को वैसे ज्यादातर लगा करता है कि अगर मील स्किप कर ली तो यू नो कैलोरीज कम है वेट लॉस होगा, ऐसा नहीं होता। अगर ऐसा होता होता तो सबसे ज्यादा रमजान में हमारा वेट कम हुआ करता, जो कि नहीं होता। ठीक है, वेट गेन के लिए भी जब आप अपनी प्लेट प्रिपेयर करें, प्लेट या ट्रे प्रिपेयर करें और फूड, उसमें देखेंगे क्या हर फूड ग्रुप वहां प्रेजेंट है, जो कि नहीं होता। आपके पास कार्ब्स आ जाएंगे क्योंकि आपने रोटी की कोई साइड रखी होगी, ठीक है, आपके पास प्रोटीन साइड भी, अगर वो भी बहुत स्पेसिफिक नहीं है, आ भी जाती है नहीं भी आती, डिपेंडिंग अपॉन द पर्सन वो प्रोटीन इनटेक उसका है कि नहीं है। तो अपनी साइड देखें कि अगर मैं हेल्दी ब्रेकफास्ट की फॉर एग्जांपल बात करूं तो उसमें मैं तो वैसे ब्रेड्स को इतना खास सपोर्ट नहीं करती, मतलब अगर आप चपाती ले सकें नथिंग लाइक इट, क्योंकि ऑर्गेनिक साइड पर रहना इज ऑलवेज बेटर। बाहर की जितनी भी चीजें होंगी अगर वो होल ग्रेन भी है, मल्टी ग्रेन है और ब्राउन ब्रेड जो आजकल आ रही है, पर स्टिल वो है प्रोसेस्ड है, उनको प्रोसेस्ड फूड्स में ही आप काउंट करते हैं। तो कोशिश करें कि आप चपाती ही ले रहे हैं, पर अगर नहीं बिल्कुल ही अवेलेबिलिटी नहीं, इफ यू आर स्टूडेंट हॉस्टल लाइट है नहीं रहते अपने घर, तो देन ओके फाइन ब्राउन ब्रेड ऑप्शन एक बेटर है, पर देन फिर ये भी देखने कंपनी ठीक होनी चाहिए उसकी। तो उसके अलावा अपने एग जरूर लें ब्रेकफास्ट में, उसके अलावा आपके पास मल्टी वाइटमिन वाला पार्ट एक हमेशा मिसिंग हो जाता है। नॉर्मल प्रैक्टिस ये है कि आपके पास ग्रेन साइड होगी इन फॉर्म ऑफ रोटी या ब्रेड, उसके अलावा आपके पास एग होगा, या कुछ लोग करते हैं कि कहते हैं रात का बचा हुआ सालन ले लिया, इस तरह मत किया करें। ब्रेकफास्ट में एग बहुत इंपॉर्टेंट है और उससे बहुत फर्क पड़ता है। ये प्रैक्टिस में चूंकि मतलब आई एम प्रैक्टिसिंग डाइटिशियन, तो ये चीज ना देखने में बहुत ज्यादा मैंने ऑब्जर्व की है कि जो लोग रात का रोटी सालन बचा हुआ खा रहे हैं उनके न्यूट्रिशन स्टेटस में, और जब मैं उनको प्रिस्क्राइब करती हूँ अच्छा आप ना एग ले लें और उसके साथ आप कुछ और ले लें, मल्टी वाइटामिन का एक पोर्शन रखें, थोड़ी सी स्टीम्ड वेजिटेबल्स रखनी, फ्रूट रख लिया या मिल्क रख लिया, तो उससे न्यूट्रिशन स्टेटस में एकदम बहुत पॉजिटिव इफेक्ट आता है। तो बात यही है कि अपनी जब प्लेट आप देखें तो उसमें देखें कि क्या पूरे सारे फूड ग्रुप्स जो है वो प्रेजेंट है, मिल्क साइड होनी चाहिए आपके पास, फ्रूट साइड होनी चाहिए आपके पास, ग्रेन्स हमारे पास नॉर्मली अवेलेबल होते हैं, प्लीज रात का बचा हुआ सालन नहीं खाएं। स्पेशली जो हमारी पाकिस्तानी प्रैक्टिसेस हैं खाना पकाने की, उसमें हम न्यूट्रिएंट्स बहुत वेस्ट कर लेते हैं, भून 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 के कुछ नहीं बचता हमारे सालन में। तो कोशिश करें जितना, क्योंकि एग ऑर्गेनिक रह जाता है आपके पास, एग का ऑमलेट बनाए, यू कैन हैव चीज ऑमलेट, एक हेल्दी अगर आप वेट गेन करना चाह रहे हैं उसके लिए जो ब्रेकफास्ट में, यू कैन हैव अ चीज ऑमलेट विद अ साइड ऑफ ग्रेन चपाती या ब्रेड की फॉर्म में। आप फ्रूट सैलड लें या मिक्स फ्रूट सैलड भी अच्छी ऑप्शन है, उसमें मल्टी वाइटामिन आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। फ्रेश फ्रूट सैलड लें या जूस लें, जूस फ्रेश नॉट द डब्बा वन, वो नेस्ले वगैरह वो उस तरह की कंपनीज वगैरह का नहीं लेना आपने, आप फ्रेश जूस ले सकते हैं या आप फ्रूट सैलड वैसे ले सकते हैं, मिल्क लें और ये देखें फिर आप अपनी अगर प्लेट में अगर आप काउंट करें तो ऑलमोस्ट हमारे पास मैक्सिमम न्यूट्रिएंट्स वहां प्रेजेंट हैं। तो जहां पे भी न्यूट्रिएंट्स कम है तो वहां पे इशू होता है, उस तरह से वेट गेन नहीं होता। 3 रोटियां खाने से वेट गेन नहीं होता आपका, ठीक है, आपने न्यूट्रिएंट्स पूरे करने हैं, कैलोरीज पूरी इजीली हो जाती हैं, आपने न्यूट्रिएंट्स पूरे करने हैं। 3 रोटियां एंड सालन, वेजिटेबल की कोई भी सालन होगा, इस तरह से वेट गेन नहीं हुआ करता। आप न्यूट्रिएंट्स पूरे करने पे ज्यादा फोकस रखें, देन कैलोरी काउंटिंग। ये दिस वाज कॉम्प्रिहेंसिव, जबरदस्त जबरदस्त हो गया, ये तो बड़ा अच्छा बताया आपने। और जो आप लोगों के क्वेश्चंस आ रहे हैं हम बिल्कुल अभी इनको एड्रेस करते हैं। मुझे अभी ये यमुना की जो सारी कन्वर्सेशन सुन के एक आइडिया आ रहा था, मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ, आप लोग फिर कमेंट्स में अपना इनपुट दे सकते हैं। कि यमुना के साथ हम एक वो करें रेसिपी वाला शो, जिसमें कम से कम हम कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में बताएं कि भाई ये ऐसे बनती है, ये ऐसे बनती है और ये ऐसे बनती है। क्योंकि जब इन्होंने अभी बड़े अच्छे तरीके से बताया कि जो भून भून कर हम ख़राब कर देते हैं, और ये बात मैंने बहुत सुनी है कि हम जब सब्जी पकाते हैं तो हम उसकी भी मत मार देते हैं,
और हम अब अगर आप सिंपल करेले भिंडी के साथ जो सलू किया जाता है पाकिस्तान में वो कहीं नहीं होता, उसको आप फ्राई जितना फ्राई हो उतना वो पसंद किया जाता है उसको, और ये बहुत गलत प्रैक्टिस है। हाँ बिल्कुल आपकी बात ठीक है। अच्छा एक बड़ा एक चीज जो है मैं अभी आपसे बात करूंगी हाइपर कैलोरिक डाइट प्लान की, जिसमें लोगों के ये एक जहन में होती है चीज़ की अच्छा अगर हमने एक हफ्ते में एक किलो वजन कम करना है तो इसका मतलब है कि हमारी कैलोरी इनटेक जो है वो 1200 होनी चाहिए, ये इस तरह की बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पे अवेलेबल है। तो वो उन लोगों के लिए आपका क्या मशवरा है कि भाई क्या वो जो डिफरेंट एप्लीकेशन होती हैं ये वो सब चीज़ें अवेलेबल होती हैं उसको फॉलो करने से कुछ फ़र्क पड़ता है? अच्छा एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन डिफर करता है, कुछ अच्छी भी होती हैं, पर देखें एट द एंड जो वो एप्लीकेशन है ना वो पाकिस्तान में नहीं बनी हुई, उनकी चीज़ें डिफरेंट है, उनका तरीकाकार डिफरेंट है। वो नॉर्मली जितनी एप्लीकेशंस मैंने देखी हैं उनमें कार्ब्स की साइड बहुत ज़्यादा निकाली होती है, और अगर दी भी होती है तो इन द फॉर्म ऑफ पोटैटोज दी होती है, पर हमारे पास जो फॉर्म है कार्ब की अच्छी लेने की जो हेल्दी ऑप्शन है वो होल ग्रेन्स है, हमारी प्रैक्टिसेस थोड़ी सी डिफरेंट है, इसलिए 100% एक दफा थोड़ा सा बता देती है। मतलब कि अगर आपने जैसे पहले भी कहा कि न्यूट्रिएंट्स पूरे होने चाहिए तो वो कैसे पूरे होते हैं, क्या क्या होना चाहिए आपकी प्लेट में? मिसाल के तौर पर जैसे वो हमने छोटे होते पढ़ा हुआ एक तो वाइटामिन होने चाहिए, ये तो चले और ये तो और जरा थोड़ी डेप्थ की बात है, आसान अल्फाज में ना एक ग्रेन्स की साइड होनी चाहिए, ग्रेन्स मतलब जिसमें आपके पास चावल वगैरह आ जाते हैं, और चावल आप वेट लॉस में खा सकते हैं, वो भी क्वांटिटी इशू करती है कोई फूड इशू नहीं करता, मेन जो मेरा जो होता है ना पॉइंट वो ये क्वांटिटी इशू करती है। अभी इस वेट लॉस जो सारा अवेयरनेस कैंपेन थी जो हम अभी कर रहे हैं उससे भी मैंने सबको यही चीज ब्रीफ की कि एक चीज की क्वांटिटी इशू करती है, चीज इन मतलब इटसेल्फ इसका इतना इशू नहीं होता। आप ब्राउन राइस लें और उसकी क्वांटिटी सर्विंग देख लें आपने कितनी लेनी है, वो आपको डाइटिशियन प्रिस्क्राइब कर देगी इफ यू आर यू नो कंसल्टिंग वन। आपको राइस पसंद है आप उसे कहें कि अच्छा ठीक है मुझे राइस खाने है, तो कहेगी चलो मैं अभी नहीं ऐड करी, मैं जरा नेक्स्ट वीक ऐड कर लूंगी। तो यू नो कोई मिडिल ग्राउंड हर चीज का निकल आता है, इवन फास्ट फूड का भी मिडिल ग्राउंड निकल आता है, पर उसके लिए आपको यू नो यू हैव टू बी ऑनेस्ट विद योर डाइटिशियन कि जब वो कह रही है तो फिर तभी खाएं। हाँ। अगर आप आगे पीछे करेंगे देन वो वेट स्टक हो जाएगा, गेन नहीं होगा, लॉस नहीं होगा, जो भी इश्यूज होते हैं उसके। बिल्कुल ठीक है। अच्छा इसमें एक मैं कुछ क्वेश्चन जो है वो आपको यहाँ से भी अभी एक दो क्वेश्चन में लेती हूँ। आई हैव स्टबर्न फैट्स, अच्छा हाउ टू रिड्यूस विदाउट डाइट, ये एक और क्वेश्चन है। व्हाट डाइट टू यूज इन प्रेगनेंसी के वेट गेन ज्यादा वेट गेन ना हो, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका मैं बताती हूँ, प्रेगनेंसी में स्पेशली ये होता है कि एक कॉमन प्रैक्टिस है कि जो सामने आए वो खिला दो। ये दोबारा जो मैंने लास्ट क्वेश्चन का जो मैंने जो आंसर दिया उसी के अंदर इसी का आंसर भी है कि जो सामने आए वो नहीं खाना, स्पेशली वेट गेन के लोगों के लिए। अच्छा वेट गेन के लोगों में एक बहुत प्रैक्टिस है जो कि बहुत गलत है, उनको ये लगता है कि प्रेगनेंसी और वेट गेन तकरीबन ये ना सेम इनकी प्रैक्टिसेस होती हैं। वो क्या करते हैं, उनको लगता है दे कैन हैव एनीथिंग, और एनीथिंग में वो फास्ट फूड बहुत ज्यादा लेना शुरू कर देते हैं, फ्राइड आइटम्स, फास्ट फूड। उनका क्या कॉन्सेप्ट होता है कि हमने तो लगाना है ना बॉडी को, तो लगाने के लिए तो यू कैन हैव एनीथिंग। नहीं, दिस इज नॉट द केस। प्रेगनेंसी में भी हम यही करते हैं कि जो है मदर है उसको हमने कह दिया कि आप जी दो दो रोटियों पे लगा दिया, सालन ज्यादा दिया जा रहा है, या इस तरह की प्रैक्टिसेस होती हैं। बात वही है जो मैंने पहले बताई कि न्यूट्रिएंट्स इंपॉर्टेंट है, कैलोरीज तो ये तो कैलोरीज इंक्रीज करने वाली बात है, ये तो आप कैलोरीज इंक्रीज करें अगर आप एक टाइम में दो तीन रोटियां खा रहे हैं, या आप कैलोरीज इंक्रीज करें, आप न्यूट्रिएंट्स इंक्रीज नहीं कर रहे, या एक टाइप का न्यूट्रिएंट ज्यादा जा रहा है और बाकी से डिप्राइव्ड बॉडी। वही बात आ गई कि अपनी प्लेट देखें कि उसके अंदर ग्रेन्स की साइड होनी चाहिए, वेजिटेबल की होनी चाहिए, मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स में से कुछ होना चाहिए, आपकी प्रोटीन होनी चाहिए उसके अंदर, प्रोटीन को ऐड करने के लिए अगर आपके पास अगर फॉर एग्जांपल आपके पास जो है सालन है वो वेजिटेबल बेस्ड है, आप उसके साथ एग ले सकते हैं, एग वाइट या एग बॉयल, वो तो डिपेंड करता है कि आपने ना होल लेना है कि सिंपल वाइट लेनी है। अगर आपने सुबह एक होल ले चुके हैं तो उसके बाद आप बाकी रेस्ट ऑफ द डे आप एग वाइट्स ले सकते हैं, बॉयल करके थोड़े से पीसेस के हल्के से चंक्स करके, वो बहुत ईजिली खाया जाता है, मतलब इशू नहीं होता खाने का, उतना वो पेट भी नहीं भरता और वो साइड भी एक प्रोटीन आपको एक अच्छा पोर्शन मिल जाता है। तो वही चीज आ गई कि फ्रूट्स होने चाहिए, वेजिटेबल्स इन रॉ फॉर्म। वेजिटेबल्स का भी हम ये करते हैं कि जब हम वेजिटेबल साइड पूरी करने की कोशिश करते हैं तब हम उसको सालन में काउंट कर लेते हैं, सालन की वेजिटेबल को काउंट ना किया करें, बिकॉज आपकी प्रैक्टिसेस हमारी ऐसी हैं। मगर मैं फॉर एग्जांपल इफ आई मैं किसी को कहती हूँ कि यू आर सपोज टू हैव टोमेटोज, में टमाटर आपने खाने हैं, कोई भी कोई इशू है आपने टमाटर खाने हैं,
اب وہ کاؤنٹ کر لیں اس کو کہ جو میں نے بھونے ہوئے ٹماٹر ہیں سبزی میں, آپ اس کو کاؤنٹ نہیں کر سکتے. آپ نے رو فارم میں لینے ہیں. رو فارم میں چیز ہمارے پاس سب سے پیورسٹ فارم میں ہوتی ہے اور اس کا ہی باڈی کو سب سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے. اور میں نے وہ یمنا کے ڈائٹ پلانز دیکھے تو انہوں نے ان میں بتایا, مطلب پراپرلی مینشن کیا ہوا ہے کہ رو میں کیا چیز چاہیے, یا آپ نے رو میں لینی ہے یا آپ نے کھا سکتے ہیں بوائلڈ لے سکتے ہیں. کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ ان کو رو فارم میں لیا جائے تو وہ زیادہ بینیفیشل ہے دین یو نو آپ سالن بنا لیں اس کا. تو یہ ذرا اپنی جو ہے پلیٹ میں دیکھیں کہ نیوٹرینٹس پورے ہیں, ہمیں کیلریز نہیں چاہیے ایکسٹرا, ہمیں نیوٹرینٹس چاہیے. نیوٹرینٹس آپ کو پورے کرنے چاہیے پریگنینسی میں, تو یہ سارے جو فوڈ گروپس ہیں وہ آپ کمپلیٹ کریں تو وہ آپ کا میل جو ہے وہ کمپلیٹ ہوگا. حماد نے ہم سے ایک کوشچن پوچھا ہوا کہ آئی ہیو اے سپر فاسٹ میٹابولزم اور آئی ایم 30 اور ابھی میرا ویٹ 70 اینڈ آئی وانٹ ٹو ہٹ 80, تو یہ سپر فاسٹ میٹابولزم کی وجہ سے کوئی فرق پڑ رہا ہوتا ہے؟ فاسٹ میٹابولزم کی وجہ سے ڈیفینیٹلی فرق پڑتا ہے. اچھا ان کی یہ تو اب یہ ڈیٹیل ڈسکشن ہے اس میں, بیکاز فیملی ہسٹری میٹر کر جاتی ہے اس میں بہت سے ہے. کیونکہ ایک یہ بھی بات ہے کہ آپ نے کیونکہ یو نو سیلف ڈائگنوزڈ آپ کا فاسٹ میٹابولزم ہے, کیا پتا نہ ہو, کیا پتا کوئی اور ریزن ہو. یہ تو خیر جو بھی لائف سیشن کمپلیٹ ہوتا ہے آپ کوشچن پوسٹ کر سکتے ہیں, ان سے ایک کوشچن پوسٹ کر دیں, وہاں پہ میں آنسر کر دوں گی. جو بہت سارے کوشچن ہیں میں ابھی ان میں سے کچھ ایسے کوشچن پکڑوں گی جو مجھے لگے گا کہ یہ زیادہ لوگوں کو ان کے لیے انٹرسٹنگ ہوں گے. اس کے علاوہ جو کوشچن آپ کو ہیں باقی ڈیٹیلڈ ہیں آپ کو پوسٹ کر دیں گروپ میں اور وہ پھر آپ کو وہاں پہ میں ریپلائی کر دوں گی گروپ پہ, ویب سائٹ پہ, ویئر ایور یو وانٹ. اچھا ایک کوسچن ہے کہ وہ آئی وانٹ ٹو لوز فیس فیٹ, فیشل فیٹ. ہاں اچھا یہ والے کوسچن بھی کافی تھے جو فارم سے, ان میں کوسچن کافی اس طرح کے آئے تھے اسپاٹ ریڈکشن کہ فیشل فیٹ ہے, ایبڈومن فیٹ ہے وغیرہ وغیرہ. جب اگر فیشل فیٹ ہے, ابھی تھوڑی سی ڈیٹیل بات ہے کہ کیا پتا وہ آلریڈی اوور ویٹ ہے, جب اوور ویٹ ہوں گے تو فیٹ تو پھر ڈیپوزیشن یہاں پہ بھی ہو گیا, فیشل مطلب فیشل فیٹ بھی ہوگا تھا. تو جب فیٹ شیڈ ہوتا ہے, جب انکریز ہوتا ہے تو وہ بھی ہر جگہ آپ کا جو ہوتا ہے فیٹ ڈیپوزیشن ہوتی ہے, جب ڈیکریز ہوتا ہے تب بھی وہ ایسے ہی شیڈ ہوتا ہے. تو یہ بھی بات, یہ بھی چیز ڈیپینڈ کرتی ہے کہ اگر وہ اوور ویٹ ہیں, اگر آپ اوور ویٹ ہیں دین اس کی وجہ سے آپ کا فیشل فیٹ ہے. دوسرا یہ بھی دیکھیں کہ اگر تو آپ کا صرف پوری فیملی میں صرف آپ کا فیشل فیٹ ہے, دیٹ مینس یس اٹس بیکاز آف یو نو ویٹ یا اس طرح کے ایشوز ہو سکتے ہیں. اگر سب کا ایسا ہے دین تھوڑا سا جینیٹکس بھی اس میں آ جاتی ہیں. اچھا اس کے بعد ایک ہمارے پاس کوشچن ہے کہ جو پوسٹ پارٹم ویٹ لاس ہوتا ہے اور اگر آپ بریسٹ فیڈنگ مدر ہیں اور اس طرح کی چیزیں ہیں تو اس سلسلے میں کیسے مطلب کرنا چاہیے, یا تو آپ کا مطلب آپ سے ڈائریکٹلی کانٹیکٹ کرنا چاہیے, مطلب لائک دے شوڈ وزٹ اے ڈائٹیشین, اور کچھ ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں جو دے کین فالو آن دیئر اون. اچھا اس میں یہ ہے کہ جو اسپیشلی جو ہوتے ہیں نا نارمل, دیکھیں جو نارمل ہیلدی باڈی ہوتی ہے نا اس میں تو آپ گوگل بیسڈ ڈائٹ پلان یو نو جنیرک ڈائٹ پلان آپ یوز کر لیتے ہیں. میں تو ویسے کبھی بھی ان کی فیور میں نہیں ہوتی بیکاز باڈی ٹو باڈی چیز بہت ڈفر کرتی ہے. مطلب گوگل پہ ایک بات لکھ دی گئی ہے تو پورے ورلڈ کی پاپولیشن کے لیے وہ چیز ٹھیک نہیں ہے. آپ جنیرک ڈائٹ پلان میں کبھی بھی نہ میں ان کو سپورٹ نہیں کرتی, پر لوگ پھر بھی فالو کرتے ہیں جو کہ ڈینجرس ہے. پر کچھ کنڈیشنز ایسی ہوتی ہیں ان میں قطع نہیں کرنا چاہیے. جب کوئی ڈیزیز آ گئی یا پریگنینسی, بہت کریٹیکل سی کنڈیشنز ہوتی ہیں باڈی کی, اس ٹائم پہ پلیز ڈو یور سیلف اے فیور, ایسے نہیں کریں آپ کہ گوگل بیسڈ چیزیں یوز کر لیں. آپ کے پاس مرہم اتنا اچھا پلیٹفارم ہے, یہاں پہ ڈھیروں ڈھیر ڈاکٹرز ہیں, گائناکولوجسٹ ہے, ڈائٹیشین ہے, اتنے لوگ ہیں آپ کو آپ کی کوئریز کو آنسر کرنے کے لیے. تو اپنی کوئریز پوچھا کریں اور اپنی ڈیزیز کو سمجھیں. پریگنینسی ایک بہت کریٹیکل فیز ہے, اور پھر فرسٹ سکس منتھس میں کوشش کریں آپ ویٹ لاس کی طرف مت جائیں, کیونکہ اس وقت ایکسکلوسیو بریسٹ فیڈنگ چاہیے ہوتی ہے بیبی کو. اور اس کے بعد بھی آفٹر فرسٹ سکس منتھس, اس کے بعد اگر آپ ویٹ لاس کرنا بھی چاہتے ہیں تو اٹس فائن, کوئی ایشو نہیں ہے. ویٹ لاس کرنے, ویٹ لاس میں جو ایک کانسیپٹ بنا ہوا ہے نا ہماری سوسائٹی میں کہ ویٹ لاس کرنے کا مطلب وہ ہوتا ہے آپ کمزور ہو جاؤ گے, آپ کمزور نہیں ہوتے. آپ کمزور صرف تب ہوتے ہو جب آپ خود سے ڈائٹ پلان بنانے کی کوشش کرتے ہیں. کیونکہ دیکھیں بینگ اے لے مین یو کین یو نو چلیں, پھر آپ نے کیلوریز بھی کیلکولیٹ کرنی ہے, آپ کو آگے کیلوریز کیلکولیٹ کرنی ہے, آپ نے کسی سے پوچھ لیا, گوگل پہ پڑھ لیا. نیوٹرینٹ کاؤنٹنگ از ویری ڈیفیکلٹ. وہ نیوٹرینٹ کاؤنٹنگ ایک پروفیشنل کے علاوہ آپ نہیں کر سکتے ہو. جب نیوٹرینٹس مسنگ ہوتے ہیں تو یہ ایشو ہوا کرتے ہیں. ایون مجھے مرہم کے پلیٹ فارم سے ہی بہت دفعہ ایسے پیشنٹس اس میں آئے ہیں کہ جنہوں نے اس طرح کے پلان فالو کیے اور اب ان کا جو ہے فیٹ لاس ہوا ہی ہوا, مسل لاس ہو گیا. مسل جب ہوتا ہے آپ کا لاس, یہ ہوتا ہے جو ایک بات کہتے ہوتے ہیں کہ آنکھیں اندر دھنسی ہوئی لگتی ہیں, وہ چیز کبھی بھی ڈائٹ پلان ایک اچھے ڈائٹ پلان سے آپ کی آنکھیں کبھی اندر نہیں دھنسیں گی. کیونکہ وہی ڈائجیشن کا کام ہے کہ آپ کو پلان اس طرح کا دیا جائے کہ فیٹ لاس ہو, مسل آپ کا وہیں رہے. تو یہ اس طرح کی کنڈیشنز میں پلیز اس طرح کے جنرک ڈائٹ پلانز مت یوز کیا کریں. بالکل ٹھیک ہے, تھینک یو یمنا, دس واز یو نو گریٹ. ویسے اگر میں آپ سے پوچھوں ہمیں ایک منٹ کے اندر بتائیں کہ جب ایک نیوٹریشنسٹ یا ڈائٹیشین بنتے کیسے ہیں,
मतलब आप लोगों को क्या ऐसे स्पेसिफिक पढ़ाया जाता है, लाइक यू नो यू कैन यू गाइस ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इनकी जैसे बात के वे प्रोफेशनल दे कैन काउंट कि यार इस बंदे ने ये 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 इस तरह खाना है. हमारी वैसे आम लोगों की पढ़ाई में भी एक तो सब्जेक्ट होना चाहिए, जर्नल का एटलीस्ट होना चाहिए, सारी जिंदगी गुजारनी है. अब मैं चूंकि आई लव वर्क विद द लिवर ट्रांसप्लांट, तो लिवर ट्रांसप्लांट बहुत एक सीरियस कंडीशन होती है, डिक्लाइन स्टेटस होता है बॉडी का बहुत ज्यादा उस वक्त. तो वहां पे मैंने पता इसमें मैंने वहां नोट किया बहुत ज्यादा कि आप कितने भी यू नो नो मैटर हाउ मच रिच यू आर या किस तरह की भी कंडीशन है आपकी, जब इस जब डिजीज हिट करती है ना बॉडी को तो आप बेड पे आ जाते हो. हाँ. तो ये टाइम है जब आप एक अच्छी प्रैक्टिसेस रख के आप ना यू नो यू कैन प्रोलॉन्ग द लाइफ, और उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है दैट मैटर्स. क्वालिटी ऑफ लाइफ मैटर करती है. ये कभी मत सोचें कि अब मैं पढ़ाई को टाइम दे दिया, खाना पीना जीरो किया हुआ है, न्यूट्रिशन स्टेटस बॉडी का डिक्लाइन किया हुआ है, क्योंकि ये हमेशा याद रखें अगर बीमार जब जो भी बंदा होता है वो फिर आपको बेड पे लेके आते हैं बीमारी, और बेड पे जब आप आ गए तो फिर किसी किस्म का स्टडी भी वही स्टॉप हो जाती है, सब कुछ हम इग्नोर कर रहे होते हैं, जिन चीजों के लिए हम इग्नोर कर रहे हैं वो उसी वक्त स्टॉप पे आ जाती है. बिल्कुल ऐसे ही है, ये बात इनकी बिल्कुल ठीक है. तो अब इसमें मैं आप लोगों को लेकिन इसी में हमने एक छोटी सी फैसिलिटेशन देने की कोशिश की थी कि हमने जब मरहम को शुरू किया था ना, अगर मैं आपको बिल्कुल अपना पर्सनल एक बात बताऊं तो मैं चाहती थी कि लोगों का डॉक्टर के साथ कनेक्शन इतना कन्वीनियंट कर दिया जाए कि उन्हें लगे कि यार ये तो हमारा लाइक जैसे दोस्त से बात करना आसान है ना, मरहम के जरिए आपके लिए डॉक्टर से बात करना उतना ही आसान हो जाए. तो उस सिलसिले में हमें यमुना ने कहा कि यार मैं इस सिलसिले पे काम करना चाहती हूँ, क्योंकि ये इन्होंने मुझे कहा एक दफा कि मैं जिन मरीजों को डील करती हूँ ना वो मरीज होते हैं जिनके ना सामने मौत खड़ी हुई होती है. ठीक है, तो मोटिवेशन, हाँ मोटिवेशन की बहुत कमी है पाकिस्तान में, उनके सामने मौत खड़ी होती है तो फिर वो सोच रहे होते हैं यार अच्छा ठीक है अब हमने ठीक खाना है अब हमने ठीक नहीं खाना, लेकिन जब आपके पास जिंदगी है तो आपको तब भी ठीक खाना चाहिए तब भी सही करना चाहिए. तो उसी सिलसिले में हमने मरहम का एक वेट लॉस प्रोग्राम शुरू किया हुआ है, मैं भी आप लोगों से URL शेयर करूंगी जहां पर आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं. उसमें फिर वो लोग जिनको हम डायरेक्टली हेल्प आउट कर सकते हैं हम उन्हें उसके अंदर ज्वाइन कराते हैं एंड इट्स गोइंग ऑन. तो इसी नोट के ऊपर जो है हम अपना ये आज का लाइव सेशन कंक्लूड करते हैं, और हम अब सोचते हैं कि हमने वेट गेन के ऊपर करना है कि रेसिपीज के ऊपर करना है या यू कैन पोस्ट योर यू नो आप पोस्ट करें कि यहीं पर ही कमेंट सेक्शन में कि हम देखते हैं कि अगर नेक्स्ट सेशन हमें करना हो तो उसके लिए कौन सा जो है टॉपिक हम डिस्कस कर सकते हैं, सबसे ज्यादा वैल्यूएबल है, कौन सी सबसे ज्यादा लोगों को हेल्प आउट करेगी. सो आप अपने जो आप लोगों के क्वेश्चंस हैं उन सब के आंसर्स आपको मिल जाएंगे. और यमुना का बड़ा एक वो अच्छा है एक्सपीरियंस कि इन्होंने हमारे कम्युनिटी के ऊपर बहुत सारे आंसर्स दिए हुए हैं. अब हम इनको अपने जो मरहम का marham.pk/help ब्लॉग है हमारा, वहाँ पर वेट लॉस से रिलेटेड बहुत बहुत वैल्यूएबल ब्लॉग्स हैं, हम इनको उसके लिए भी पकड़ते हैं कि ये जो सारी इन्फॉर्मेशन है ये वहाँ पर आपको सही ऑर्डर में मिले कि भाई ब्रेकफास्ट के लिए इन चीज़ों का ख्याल रखते हैं, प्रेगनेंसी में इन चीज़ों का ख्याल रखते हैं, वेट गेन में इन चीज़ों का ख्याल रखते हैं. तो हम उनसे वो भी लिखवाएंगे, प्लस ये कि आप लोगों के आपके आंसर जो है वो कमेंट्स में मिल जाएंगे. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और थैंक यू सो मच यमुना फॉर बिलीविंग इन मरहम एंड ऑलवेज हेल्पिंग पीपल आउट. सो थैंक यू.